चैप्टर नंबर 3 अ ट्रिप टू भोपाल। तो भारत में बहुत सी प्रसिद्ध जगह है घूमने की, इनमें से कुछ हम देखते हैं जैसे कि केरला, राजस्थान, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख आदि। तो सबको ही घूमना पसंद होता है और वहाँ की संस्कृति के बारे में जानने को मिलता है। तो आइए हम चलते हैं, एक छोटी सी स्टोरी है इसके माध्यम से हम पढ़ते हैं इसे, अ ट्रिप टू भोपाल। यहाँ पर एक स्कूल है जो कि एक घूमने का प्लान बना रहे हैं भोपाल जाने के लिए। आज सुगंधा जो है बहुत ही एक्साइटेड है क्योंकि सारे बच्चे उनके स्कूल के घूमने के लिए जा रहे हैं भोपाल अपने टीचर्स के साथ। तो इसमें मिस मीनाक्षी बोलती है कि हमें बस का इंतज़ाम करना चाहिए। तो मिस मीनाक्षी कहती है हमें 4 बसेस की ज़रूरत है। तो इस पर सर कहते हैं, मिस्टर राकेश आई थिंक वी नीड एट लीस्ट 5, मुझे लगता है कि हमें केवल 5 बसों की ज़रूरत है। तो इस पर मीनाक्षी कहती है क्योंकि हर एक बस में 50 सीट होती है। तो मिस्टर राकेश कहते हैं कि कितने बच्चे जा रहे हैं। तो इस पे वो कैलकुलेशन करते हैं और देखते हैं कि क्लास 1 से 5 तक 210 स्टूडेंट्स जा रहे थे और 210 बच्चे ले जाने के लिए 4 बसों की आवश्यकता होगी क्योंकि एक बस में केवल 50 बच्चे ही आ सकते हैं। तो इसके हिसाब से तो 50 बच्चे अगर एक बस में आएंगे तो 210 बच्चों को भरने के लिए 4 बसों की आवश्यकता होगी। तो वन बस कैन टेक 50 चिल्ड्रंस, सो 4 बसेस कैन टेक 50 × 4 यानी कि 200 स्टूडेंट्स। एक बस में 50 आएंगे तो 4 बस में 200 स्टूडेंट्स आ जाएंगे। तो बाकी बच जाएंगे 10 स्टूडेंट, वो खड़े होकर जाएंगे। केवल 10 बच्चों को सीट नहीं मिल पाएगी। तो फिर वो बसों का इंतज़ार करते हैं आने का और मैम कहती है उनकी इतना भीड़ मत लगाइए, थोड़ा आराम से लाइन बनाइए। तो आगे फिर वो बस आ जाती है, इंतज़ार ख़त्म हो जाता है सारे बच्चों का। और लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आर्गुमेंट होती है कि मैम कहती है कि हमने तो आपको बड़ी बस लाने को कहा था। तो इस पर ड्राइवर कहते हैं कि हमारे पास बड़ी बस नहीं है, हमारे पास यहाँ पर मिनी बसेस हैं। तो इस मिनी बस में, एक मिनी बस में 35 स्टूडेंट्स के लिए सीट है और इसके हिसाब से उनको कितनी मिनी बस चाहिए होंगी। यस, 35 स्टूडेंट के हिसाब से आप 35 को ऐड करते जाएंगे तो 6 मिनी बसेस की आवश्यकता उनको पड़ेगी। तो इस तरीके से वो फिर बसों का इंतज़ाम करके आगे बढ़ते हैं सफ़र में और करीबन 9 बजे वो वहाँ से निकलते हैं। तो इंदिरा कहती है When will we reach भोपाल? तो वो अपनी मैम से कहती है, तो मिस आशा कहती है कि अगर हम कहीं रुके ना तो हम यहाँ से 9 बजे निकल रहे हैं तो वहाँ हम 11 बजे पहुँच जाएंगे, यानी कि 2 आवर्स लगेंगे हमें वहाँ भोपाल पहुँचने में। तो मंजीत कहता है इज़ इट वेरी फार, क्या यह बहुत दूर है? मिस्टर भीमसेन कहते हैं यह केवल लगभग 70 किलोमीटर दूर है। तो इस पे रूबी कहती है आर वी गोइंग टू स्टॉप एनीवेयर? तो मिस्टर राकेश कहते हैं हो सकता है हम भीमबेटका में रुकें जो कि यहाँ से 50 किलोमीटर दूरी पर है। और फिर वो आगे जाके सफ़र के लिए बढ़ते हैं। वहाँ पर एक पुल पड़ता है, पुल के नीचे नर्मदा रिवर बहती है। तो रूबी कहती है वाव इट इज़ सो लॉन्ग, यह बहुत लंबी रिवर है और काफ़ी वाइड भी है।
तो कुछ बच्चे बसों से बाहर झांकते हैं नर्मदा रिवर को देखने के लिए। तो उस पर गोपी कहता है, इट इज़ मच मोर, कांट से, ये कितनी बड़ी होगी यह नदी, हम कुछ कह नहीं सकते। तो विक्टोरिया कहती है, इट मस्ट बी मोर देन हाफ ए किलोमीटर, यह लगभग आधा किलोमीटर से ज़्यादा होगी। तो इस पे मिस आशा कहती है, इस पुल पर इसकी लंबाई लिखी हुई है, तो पुल पर 756.82 मीटर्स लॉन्ग लिखी थी। तो इस पर मिस आशा कहती है कि इससे हम गैस कर सकते हैं कि नर्मदा रिवर की लंबाई कितनी होगी। तो यह करीबन 500 मीटर होगी इसकी चौड़ाई रिवर की। तो शादाब कहते हैं कि आई जस्ट कांट इमेजिन 500 मीटर। तो वो कहता है कि मैं 500 मीटर को इमेजिन नहीं कर पा रहा हूँ। तो इस पर उनकी मैम कहती है, मिस आशा, कि यह बस देखो, यह लगभग 5 मीटर लंबी होगी। और ऐसी बसें अगर 100 बस लगाई जाएं एक लाइन पे, तब जाके वो 500 मीटर होंगी। तो इस पर बच्चे खुश हो जाते हैं क्योंकि उनको अपने क्वेश्चन का आंसर मिल चुका था। अब इस पर सभी बच्चे नीचे रिवर की तरफ देखते हैं। तो मिस्टर राकेश कहते हैं कि द वाटर लेवल नाउ इज़ क्वाइट लो, वाटर लेवल इस समय जो है काफ़ी कम है, यह लगभग ब्रिज से 40 मीटर नीचे होगा। तो इस पर मिस आशा कहती है, हाँ, क्योंकि इस समय बरसात का सीज़न नहीं है, जब यहाँ पर बरसात होती है तो यह ब्रिज से केवल 15 मीटर नीचे रहता है। तो बरसात में अगर कंपैरिजन किया जाए नॉर्मल डेज़ के लिए, तो यह 25 मीटर का डिफरेंस हो जाएगा, क्योंकि बरसात में यह लेवल 15 मीटर रह जाता है ब्रिज से रिवर का, और नॉर्मल डेज़ में 40 मीटर्स नीचे होता है पानी ब्रिज से। तो यह डिफरेंस 25 मीटर हो जाएगा इनको माइनस करके, 40 और 15 को माइनस करके। तो आगे जाके वो पुल पार करते हैं और फिर एक वहाँ पर एक पेट्रोल पंप पड़ता है और उस पेट्रोल पंप में वो डीजल भरवाते हैं। बच्चे भी आराम से सीट में बैठे थे इसमें। तो सारे बच्चे जो हैं खिड़की से बाहर देखते हैं किस तरीके से बसों में डीजल भराया जा रहा है, और वे काफ़ी एक्साइटेड होते हैं। और इस पर ड्राइवर जो है 100 लीटर डीजल वहां पर फिल करते हैं और इसके वो देते हैं 3500 रुपीज़। तो इस पर बच्चे काफ़ी एक्साइटेड होते हैं देखकर, और वे आगे फिर उससे आगे बढ़ते हैं सफ़र के लिए। इस तरीके से यहाँ पर वो सफ़र में काफ़ी इंजॉय करते हैं